घर पे स्टक है और समझ नहीं आ रहा कि जॉब्स कैसे फाइंड आउट करें। हम तो यही सोचते थे कि कंपनीज में पर्सनली जाके विजिट करना पड़ेगा, और अब जब जैसे लॉकडाउन हो रहा है तो कैसे फाइंड आउट करें जॉब्स। सो मैं लेकर आई हूँ लॉकडाउन डायरीज में ये एपिसोड 2, जिसमें मैं बताने वाली हूँ हाउ टू फाइंड आउट जॉब्स ऑनलाइन। और ये फ्रेशर्स के लिए भी हो सकता है और एक्सपीरियंस्ड के लिए भी, राइट? एक्सपीरियंस्ड नॉर्मली जानते होते हैं कि मुझे कैसे सर्च आउट करना है जॉब, लेकिन फ्रेशर्स के माइंड में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या मेरा वे सही है जॉब्स को फाइंड आउट करने का। एंड स्पेशली जब हमारे पास रिप्लाई नहीं आ रहा होता है, तब हमें बहुत बार रियलाइज़ होता है कि शायद हम गलत तरीके से सर्च कर रहे हैं जॉब्स। ओके, सो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये सेशन, और उससे पहले कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन डायरीज़ में आप और मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं इस सफर में, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इज नो योर सेल्फ। यस, अब आप कहेंगे नो योर सेल्फ, हम तो अपने आप को जानते हैं। नहीं, जब हम जॉब की बात करते हैं तो अपनी प्रेफरेंसेस जाननी ज़रूरी है। ईदर यू आर लुकिंग फॉर फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांसिंग, या फिर आपके वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। नाउ फुल टाइम इज जो कि आपके डेडिकेटेड टाइम्स होंगे, 9 to 5 या फिर 10 to 6, जो भी आपको डेडिकेटेड आवर्स मिलेंगे, पूरे कंप्लीट 8-9 hours। और जो आपका पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम में आपके 4-5 hours रहेंगे नॉर्मली, इस मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और टर्म्स, सारी चीज़ें पार्ट टाइम ऐसा होगा। और जो फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग इज समथिंग कि आपको टास्क दे दिया गया, अब आपको उसे कंप्लीट करना है ऑब्वियसली 2-4-5 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेडिकेटेड आवर्स जो कंपनी ने बताए हैं वो ही देने हैं। यू कैन वर्क एनी टाइम, जो आपका कंफर्टेबल टाइम हो, आपको वो टास्क कंप्लीट करने हैं, और उसी बेसिस पे आपको नॉर्मली तभी अमाउंट मिलती है। फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन आज के टाइम में होता है कई बार, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने अपना टारगेट पूरा कर दिया, जो आपको काम दिया गया है, तो आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज फ्रीलांसिंग। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप इनमें से कौन सी चूज करते हैं अपने लिए जॉब, राइट? सेकेंड, नाउ नो योर कंपनी। अपने आप को जान लिया, अपनी प्रेफरेंसेस जान ली, अब जानिए अपनी कंपनी को। मीन्स आप किस सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। यू वॉन्टेड टू गो इन हॉस्पिटैलिटी, यू वॉन्टेड टू गो इन IT, यू वॉन्टेड टू गो इन मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं, जिस भी तरीके के सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन और बेस्ड ऑन योर लाइकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, उसको फाइंड आउट कीजिए। और उसको फाइंड आउट करने के बाद, मीन्स सेक्टर नोन होने के बाद, अपने नियर एरियाज में कम से कम 50 कंपनीज सर्च कीजिए। नियर एरियाज मतलब अगर आप किस ऐसी प्लेस पे रहते हैं जहाँ कोई कंपनीज नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको उससे ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। लाइक आपके डिस्ट्रिक्ट में वैसी सेक्टर्स की कंपनीज नहीं हैं, या आप प्रेफर करते हैं नेक्स्ट स्टेट में जाने की, तो ऑब्वियसली वहाँ, तो वहाँ सर्च करिए एटलीस्ट 50 कंपनीज। मैं 50 कंपनीज बोल रही हूँ, आप 20-30 कंपनीज भी सर्च कर सकते हैं स्टार्टिंग में। मैं 50 इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत सारी हो जाएगी, जब आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी, राइट? एंड नाउ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है मेरा थर्ड पॉइंट। अपने आप को जान लिया, कंपनी का सेक्टर जान लिया, सर्च कर ली कंपनीज, और थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है एक्सप्लोर वेबसाइट्स। वो जो भी कंपनीज हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कीजिए। अब सर्च कैसे करना है, ये भी बहुत इजी है सर्च करना। आपकी जो भी कंपनी है, अगर आप कंपनी के नेम्स जान गए हैं, तो बहुत इजी है कि कंपनी का नेम डाला आपने और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले ही आएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले आती है अगर आपको कंपनी पता है। अगर आप सेक्टर सर्च कर रहे हैं, लाइक आप ऐसे कर सकते हैं कि IT सेक्टर कंपनीज इन, आप बैंगलोर में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, उसका नाम डाल दीजिए, उस स्टेट का नाम डाल दीजिए, सिटी का नाम डाल दीजिए और सेक्टर का नाम डाल दीजिए। ऐसे करके आप एक्सप्लोर करेंगे तो भी बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा करियर का ऑप्शंस, और उस करियर के ऑप्शंस में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, कौन सी वैकेंसीज पे मतलब रिक्रूटमेंट अभी हो रहे हैं, राइट? और वो फुल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है, कैसी वैकेंसीज अवेलेबल हैं इस टाइम।
तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट खुद से चेक करके करियर ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं बहुत सारी कंपनियों के लिंक्स उसमें डाल दूँ और फिर आपसे ये कह दूँ कि हाँ इनको चेक कर लीजिए, बट दैट इज़ नॉट द ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि उस केस में आप कभी भी खुद से एक्सप्लोर करना नहीं जानेंगे। और जब हम अभी घर में हैं और फ्री हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हमें करनी है अपनी स्किल्स अपग्रेड, जैसा कि मैंने पहले सेशन में कहा था। तो हम अपनी स्किल्स अपग्रेड करेंगे, तो ये जो सर्चिंग है ये भी बहुत बड़ा पार्ट होता है स्किल्स अपग्रेडेशन का, जिसमें हमें ये सर्च करना आता है कि किसी भी चीज़ को कैसे ढूंढना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और ऑब्वियसली जब हम जॉब मार्केट में बात करते हैं तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि जॉब्स को कैसे सर्च करना है खुद से, अदरवाइज हम फिर उन्हीं वीडियोज़ पर डिपेंड रहेंगे, जॉब वीडियोज़ पर, कि कौन सी वैकेंसी कब कहाँ निकल रही है। हम खुद से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके उसके नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं कि वो वेबसाइट पे जो वैकेंसी आई हुई है वो जेन्युइन है। मींस जो वैकेंसी हमें कहीं और से पता चली है वो हम ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि यस दैट इज़ करेक्ट। ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर प्लेस पे जाइए और उसमें चेक कीजिए क्लिक करके कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। सीरियसली आपको बहुत मज़ा आएगा चेक करने में और आप ऑफिशियल वेबसाइट्स देखना सीख जाएंगे, उन्हें पढ़ना सीख जाएंगे और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस होते हैं उन्हें कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे रीड करते हैं, और सारी अपडेट्स आपको खुद से आ जाएंगी एक्सप्लोर करनी। ओके, सो इसमें ये करने के बाद आप दूसरा काम एक और कर सकते हैं, वेबसाइट एक्सप्लोर करने के बाद जॉब पोर्टल्स को एक्सप्लोर कीजिए और जॉब पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद, मैंने जॉब पोर्टल्स पे कैसे रजिस्टर करते हैं उसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मीन्स जॉब पोर्टल्स क्या है पहले तो उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पता चल जाएगा कि जॉब पोर्टल्स क्या होते हैं। जॉब पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं उस कंपनीज के, उन कंपनीज की कोई वैकेंसी है या नहीं है, और वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जॉब पोर्टल की ही साइट के साथ आप सोशल मीडिया साइट्स, नेटवर्किंग साइट्स विजिट कर सकते हैं और उन पर भी चेकआउट कर सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की डिटेल्स के बारे में, कंपनी की वैकेंसीज के बारे में, दैट इज़ लिंक्डइन है और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिस पे ये सब चीज़ें पब्लिश होती हैं। तो खुद से सीखें, अपग्रेड करें अपने आप को कि ये कैसे चेकआउट किया जाता है। फोर्थ इज ऑलवेज बी प्रिपेयर, और ये है मेरा फेवरेट पॉइंट क्योंकि मैं अक्सर प्रिपेयर ही रहती हूँ किसी भी रेंडम सिचुएशन के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जब हम इतने दिनों से देख रहे हैं अपने लिए जॉब्स और हम बहुत सारी चीज़ें सर्च आउट कर रहे हैं, तो हमें रहना है प्रिपेयर किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। इट कुड बी टेलीफोनिक, इट कुड बी ऑडियो, इट कुड बी वीडियो। ऑब्वियसली टेलीफोनिक और ऑडियो में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं। तो वीडियो इंटरव्यूज़ को अटेंड करने के लिए हमें चाहिए हमारा प्रॉपर ड्रेस सेटअप, तो हमें ड्रेस कोड, जो कि हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ड्रेस कोड को अपने आसपास ही रखें, जैसा कि अगर हमें पता चले हमारा वीडियो इंटरव्यू है तो हम उसको वेयर आउट करके ही इंटरव्यूज़ में अपियर हों। दूसरी चीज़ ये है कि हमें वीडियो इंटरव्यूज़ अगर देने हैं तो हमें अपडेट होना पड़ेगा वीडियो ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर से, लाइक जूम है आपका और ब्लू जीन्स है, गूगल मीट है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू वीडियो इंटरव्यूज़ अब होते हैं। आप चेकआउट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, उन पे रजिस्टर होइए, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल्स कर देखिए कि वो कैसे हैं और कैसे हो रहा है। ऑब्वियसली एक नॉर्मल ईमेल आईडी होती है, उससे आपको रजिस्टर करना होता है, एक मीटिंग आईडी और पासवर्ड आता है, वहाँ से आप बहुत अच्छे से इसका ट्रायल ले सकते हैं। तो ये कर करके देखिए, जैसे कि जब सच में इंटरव्यू का कॉल आए तो आप प्रिपेयर हों। इसी के साथ साथ अपने लैपटॉप, अपने इंटरनेट कनेक्शन, इन पर भी प्रॉपर फोकस रखिए कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, लाइक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपके पास लैपटॉप एंड ऑल नहीं है और आप नॉर्मल अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं, तो भी ट्रायल लेके चेकआउट कर लें कि सारी चीज़ें सही तरीके से वर्क करती हैं नहीं करती हैं, एंड व्हाट आर द कीज़ जो कि आपको उस वक्त ऑपरेट करनी है, कहाँ कहाँ आपको क्या चीज़ डालनी है और क्या करना है, जिससे कि जब भी कोई ऐसा इंटरव्यू आए तो आप बहुत रेंडमली, बहुत फ्रीक्वेंटली एंड बहुत स्पॉन्टेनियसली उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, फिफ्थ जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है रिकॉर्ड व्यू एंड चेंज। नाउ हम सब चीज़ों की तैयारी करते हैं लेकिन हमारा जो वो फाइनल डे है ना, हम उसके बारे में सोच नहीं पाते कि वो कैसे होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं
बहुत सारे इंटरव्यूज़ को चेकआउट, डेमो इंटरव्यूज़ बहुत सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। यस, आप यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे जो कि अवेलेबल हैं, उन्हें देख के आप सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं या सारे सही हैं, जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आप पर क्या चीज़ सूट करती है। बी ओरिजिनल, नेचुरल रहिए, लेकिन हाँ, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। अगर वो वीडियो इंटरव्यूज जब आप देखते हैं या अपने टेलीफोनिक इंटरव्यूज देखते हैं, ऑडियो इंटरव्यूज देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मुझ में कमी है, मैं अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, तो स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, व्यू कीजिए और फिर उसमें चेंजेस कीजिए। दिस विल हेल्प यू टू अपग्रेड योर सेल्फ। चाहे हमें एकदम जॉब मिले ना मिले, 2-4-5 इंटरव्यूज देते देते ही कॉन्फिडेंस आता है स्टार्टिंग में, तो लॉन्ग टर्म में आपको खुद रियलाइज होगा कि ये जो प्रैक्टिस आपने की है, ये इसने आपको बहुत हेल्प आउट किया है। तो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, ऐसे ही जैसे ये सिंपल रिकॉर्डिंग ही हो रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, सिंपल रिकॉर्डिंग ही है एंड्रॉयड फ़ोन से। सो ऐसे अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और व्यू कीजिए और खुद से आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको चेंजेस करने ज़रूरी हैं, राइट? सो लॉकडाउन में मेरे हिसाब से मैंने दे दिया आपको बहुत अच्छे अच्छे से टास्क एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप मुझे भी बताइए कि आप ये नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइए कि लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्री टाइम में आप लोग कैसे इस टाइम को पास कर रहे हैं या इन्जॉय कर रहे हैं या प्रोडक्टिव बना रहे हैं। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लॉकडाउन डायरीज वीडियो। And till then, happy watching. Thanks for visiting my channel. And yes, stay happy, stay safe. And I said, मैंने last video में कहा था wear mask, घर पर है तो mask की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखें, walk पे भी निकलते हैं अपनी colony में तो सब चीज़ का ध्यान रखें। Okay? All the best. Bye-bye.